ये प्रशासन आज इसलिए आया है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ हो, साफ हो, दिखने में अच्छा हो। और ख़ास तौर से मानसून का टाइम है, इस टाइम पे पानी की बीमारियां, डेंगू, मलेरिया और भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जगह जगह पे जो पानी ब्लॉक्ड है, जगह जगह पे जो इलीगल पार्किंग है, फुटपाथ इनक्रोच्ड है, ये एक अच्छे और प्रोग्रेसिव शहर की निशानी नहीं है जो हम कठुआ को बनाना चाहते हैं। कठुआ के लिए जो हमारे लिए, जो हमारे दिमाग में, प्रशासन के दिमाग में, आप सबके लोगों के दिमाग में जो विज़न है, वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा शहर लोग देखकर कहें कि शहर सुंदर है, स्वच्छ है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और इसको एक अच्छी तरह से रखते हैं। तो ये सारा बिना पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट के, बिना पब्लिक के मुहिम के नहीं हो सकता है। ये आज पहला दिन है जो देखने के लिए किया गया है। म्यूनसिपैलिटी को जगह जगह पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जहाँ पर भी कचरे के ढेर हों, चाहे वो सड़क पर हों, चाहे वो प्राइवेट प्लॉट पे हो, खास तौर से अगर प्राइवेट प्लॉट पे हैं तो जिन लोगों के वो प्लॉट हैं, जिनकी मालकी की ज़मीन है, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि उनको खाली करा के बिल्कुल साफ़ करें। आज के दिन हम उनको मदद करेंगे करने की, अगली बार से अगर ऐसा होता है तो उन पर पेनल्टी करी जाएगी। जितने सड़कों पर जो कूड़ेदान हैं उनको बदल के बिल्कुल ढक्कन वाले बंद कूड़ेदान किए दिए जाएंगे, ताकि वहाँ पर कोई गंदगी सड़क पर ना फैले। जो भी फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट है, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि एक दो दिन के अंदर, दुकान के अंदर बहुत जगह है फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनाए गए हैं, फुटपाथ जगह जगह पे, मैंने ये भी देखा, आप सब लोग ये बात करेंगे कि फुटपाथ जगह जगह पे डैमेज है, उसमें उसको मरम्मत कराने की ज़रूरत है, वो प्रशासन उसकी मरम्मत कराएगा। एक बार जब सारे फुटपाथ खाली हो जाएंगे तो फुटपाथ को चलने के लायक, ताकि लोग वहाँ पर चल सकें, हमारी सड़क खाली रह सके, वो काम हम लोग करेंगे। पर उससे पहले सारे फुटपाथ खाली हो जाएँ, हमारी रोड पर कहीं पर गाड़ियों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगर आज आप देखें तो दोनों तरफ रोड के गाड़ियों की पार्किंग है। इसके लिए भी जगह जगह पे हम लोग पार्किंग की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं, टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। और दूसरी तौर पे जो ई रिक्शा और हमारे ऑटो हैं उनके लिए भी स्टैंड डेजिग्नेट किए जाएंगे। आप सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि जहाँ नॉन पार्किंग वाला एरिया साफ रखें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 972825 3663 पर।